800 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय ने ध्वंस से सृजन के नए अध्याय में प्रवेश किया। खंडहर के इतिहास से भव्य इमारत के वर्तमान की नई दहलीज को लांघा। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पीएम मोदी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की नई इमारत के उद्घाटन के मौके पर यहां 17 देशों के राजदूत मौजूद थे। 2010 में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर से कुछ दूरी पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। 2017 में नई इमारत के बनने का काम शुरू हुआ और अब पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित कर दिया है। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो, जहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। मंच पर पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। नीतीश ने नालंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इमारत के लिए बार बार पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आ गए हैं और इसका पूरे तौर पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ कि आप चलिए, आप तो तीसरा बार आप फिर आइए है कोई तब आप फिर आ रहे हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि आप आ गए। यहाँ पर आ गए बड़ी खुशी की बात है और बहुत सुंदर है, और यहाँ पर आ गए तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आप